इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक लेपर्ड वॉक साइकिल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर, वेलकम टू लेट्स एनिमेट। वॉक साइकिल शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये जो फोर लेग्स है इसका क्विक सिलेक्ट सेट बनाऊंगा। मैं शॉप करता हूं, मैं ये फ्रंट लेग है उसको सिलेक्ट करो, ऐसा ड्रैग सिलेक्ट, मतलब पैर में जो भी कंट्रोलर्स है सिलेक्ट किया, क्रिएट सेट्स क्विक सिलेक्ट सेट फ्रंट, मतलब एफ अंडरस्कोर फ्रंट लेफ्ट लेग। मैं ऐसा शॉर्टकट नेम दे दिया इसका, ऐड टू सेल्फ। फिर राइट लेग, राइट लेग को ड्रैग सिलेक्ट किया, क्विक सिलेक्ट सेट फ्रंट राइट लेग, ओके एफ आर एल। अभी बैक लेग का करता हूँ, क्विक सिलेक्ट सेट लेफ्ट लेग, ओके ये मेरा क्विक सिलेक्ट सेट हो चुका है। अभी क्या करूँगा, मैं FPS चेक करूँगा, सेटिंग्स। ये देखो टाइम 24 FPS, मैं इसको 25 में लेता हूँ, मुझे चाहिए 39 फ्रेम्स। 39 फ्रेम में मैं अपना वॉक साइकिल करूँगा फोर लेग का। पहले नेट में थोड़ा रिसर्च करो कि कैसा वॉक साइकिल होता है, तो मैंने ये यूट्यूब से कलेक्ट किया है। देखो ऐसा वीडियो रेफरेंस, ठीक है, ऐसा भी पोजेस, पहले रेफरेंस चेक करो पूरा, और भी बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे इंटरनेट में, ठीक है। गूगल में ऐसे टाइप करो टाइगर वॉक साइकिल पोजेस, ठीक है। अभी चलते हैं माया में। देखो ये एक कैरेक्टर है, मैंने highend3d.com से डाउनलोड किया है, ठीक है, तुमको भी इजीली मिल जाएगा, सिर्फ लॉगिन करना है उसमें एंड डाउनलोड करो फ्री माया रिक्ड कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले करते हैं इसका एक कॉन्टैक्ट पोज, ठीक है। कॉन्टैक्ट पोज के लिए हिप को पहले डाउन करो, हिप डाउन कर लिया है। फिर दोनों लेग को पोजिशन दो कॉन्टैक्ट फ्रेम के लिए। ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा मुझे स्केल्ड चाहिए था, पर इसके स्केल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको स्केल ना करते हुए मैं एनिमेशन में प्रोग्रेस करता हूँ, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज, और मैं अभी चलता हूँ फ्रंट में। दोनों लेग को थोड़ा नज़दीक लाते हैं, दोनों के जो फ्रंट लेग है वो थोड़ा अंदर की तरफ रोटेटेड रहेगा। यहाँ पे कितना किया मैंने, देखो 0.8 करता हूँ। इसको कॉपी, बैक लेग में पेस्ट, माइनस से प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और चेक करता हूँ एक्स वैल्यू, यहाँ पे 0.4 है या 0.5 देता हूँ, 0.5। जो बैक लेग है दोनों का एक्स वैल्यू सेम टू सेम करो, मतलब माइनस और प्लस में रहेगा, ठीक है। तो ये हो चुका है फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज फ्रेम नंबर 1 में। हिप में सेट की देता हूँ, एस प्रेस करो और इसको ऑन रखो ऑटो की, ठीक है। ये जो रेड बटन है मैं कर रहा हूँ माया 2018 में, जो देखो मैंने क्विक सिलेक्ट सेट बनाया था, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं देता हूँ एस, सबको दे दिया, एंड इसको भी एस, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज मेरा हो गया है। तो कॉन्टैक्ट पोज में जो लेग सामने की तरफ है उस तरफ ही हिप रोटेट होगा, हिप भी रोटेट किया, ठीक है। अभी यही वैल्यू को मैं कॉपी करूँगा, ड्रैगन ड्रॉप करूँगा 39 में, ठीक है। फिर जो मिडिल पोज है, ठीक है, 20 में मैं सेट की दे दिया। फिर -10 को करेंगे 10 ऑपोजिट, ठीक है, ऐसा। ये जो लेफ्ट फ्रंट लेग है इसको सिलेक्ट किया, ड्रैगन ड्रॉप करो 39 में किया। फिर आ जाओ 20 में, इसको जस्ट सेट की दे दो पहले। फिर ये इस लेग को सिलेक्ट किया, फ्रेम नंबर 1 में आ गया, ड्रैगन ड्रॉप करो 39 में, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम मैंने सेम कर लिया, कॉन्टैक्ट पोज जस्ट कॉपी पेस्ट। इसका भी फ्रेम नंबर 20 में एक सेट की, ठीक है। अभी फ्रेम नंबर 20 में मुझे ऑपोजिट कॉन्टैक्ट चाहिए, तो बैक लेग से मैं कॉपी करता हूँ, इस लेग से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी इस लेग में पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो चुका है। अभी ट्रांसलेट एक्स को ऑपोजिट करो, +5 है -5 करो, एंड जो रोटेशन है उसको भी ऑपोजिट करो, हो गया। लेफ्ट का पोजीशन चाहिए राइट में, तो कॉपी करो, कॉपी, ठीक है, राइट लेग को सिलेक्ट किया, फ्रेम नंबर 20 में आ गया, पेस्ट, तो ऑपोजिट हो गया। एक्स को ऑपोजिट करो, -5 है तो 5 होगा, ये -8 है तो 8 होगा। तो मेरा दो कॉन्टैक्ट फ्रेम हो चुका है, एक फ्रेम है फ्रेम नंबर 1 में, फिर 20, फिर 39। अभी मैं क्या करूँगा, अभी करूँगा मैं पासिंग पोज। तो पासिंग पोज करते हैं फ्रेम नंबर 11 में।
तो पासिंग पोज के लिए सबसे पहले फ्रेम नंबर 11 में मैं हिप को थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अभी ग्राफ एडिटर ओपन करते हैं। अच्छा, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई को ऊपर लेते हैं क्योंकि पासिंग पोज में ऊपर जाएगा इसलिए। फिर और एक इधर पे होगा फ्रेम नंबर 29 में, कॉपी एंड नेक्स्ट में वी, कंट्रोल वी, ये पॉइंट को सिलेक्ट किया। फिर इधर पे आ गया ड्रैग, कंट्रोल सी, ये पॉइंट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी। ठीक है, तो देखो अप एंड डाउन हो रहा है। लेग को पोजीशन देते हैं, तो ये लेग सामने से पीछे की तरफ जा रहा है तो पूरा नीचे ही रहेगा। राइट लेग पीछे से सामने आ रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर फ्रेम नंबर 11 में ऊपर, ऐसा थोड़ा बाहर की तरफ। ये देखो, इसको ऐसा एक पोज चाहिए। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स यहाँ पे दिया है वो भी देखना होगा। और थोड़ा बाहर सेट की दे दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, दो पोज रेडी हुआ। एक तो है कॉन्टैक्ट पोज ये, एंड नेक्स्ट पासिंग पोज। ठीक है, फिर रिवर्स कॉन्टैक्ट। तो अभी मुझे ये जो पोर्शन है फ्रेम नंबर 29 उसमें इस पैर को एडजस्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट लेग को, लेफ्ट फ्रंट लेग। तो यही वाला फ्रेम मैं फ्रेम नंबर 29 में कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी एंड इसमें पेस्ट। सिर्फ इसमें क्या है, रोटेशंस वगैरह को चेंज करना है। फिर जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स है उसको भी चेक करते हैं। तो इसमें जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कॉपी करता हूँ एंड देता हूँ टू एंड एल। ठीक है, इसमें पेस्ट। तो डायमेंशन मिल चुका है मुझे, अभी माइनस प्लस करना है, अपोजिट अपोजिट करना है। ये वाई को पहले देते हैं। ठीक है, जी इसको भी अपोजिट करता हूँ मैं। दो पासिंग फ्रेम एंड दो कॉन्टैक्ट फ्रेम हो चुका है। अभी करते हैं ये डाउन पोज इधर पे। तो डाउन करता हूँ फ्रेम नंबर 6 में, फ्रेम नंबर 6 में डाउन पोज। हिप को सिलेक्ट किया है मैंने, ट्रांसलेट वाई, इसमें आई आई प्रेस करो एंड मिडिल माउस क्लिक करो। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेट किया गया, इसको नीचे ड्रॉप करो, मतलब जो कॉन्टैक्ट फ्रेम है उससे तो नीचे। फिर फ्रेम नंबर 6 से ये कॉपी करो। ठीक है, ये सेट की कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी एंड आ जाता हूँ फ्रेम नंबर 24-25 में, आई प्रेस करो, मिडिल माउस क्लिक एंड वो जो वैल्यू था उसको पेस्ट करो, डाउन फ्रेम वाला। ठीक है, सबको मैंने सेलेक्ट किया ऐसा। तो डाउन एंड पासिंग हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा बाउंसी लग रहा है, वो बाद में मैं एडजस्ट करता हूँ। फिर आते हैं फ्रेम नंबर 16 में, इधर पे मुझे चाहिए अप पोज। अब मतलब सबसे ऊपर, जहाँ पे हिप सबसे ऊपर रहता है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन वॉक साइकिल में भी रहता है, इधर पे भी सेट की। ठीक है, कॉपी करो प्रीवियस फ्रेम से, कॉपी एंड नेक्स्ट फ्रेम में पेस्ट। ठीक है, तो हिप में मैंने कॉन्टैक्ट फ्रेम, डाउन फ्रेम, पासिंग फ्रेम, अप फ्रेम एंड फिर से कॉन्टैक्ट फ्रेम दे दिया है। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको, मे बी ये ज़्यादा हो चुका है, इसको थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, और डाउन को भी थोड़ा कम करता हूँ मैं, थोड़ा कम किया। ठीक है, अभी लेग में और भी डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, ये जो पीछे वाला लेग है अभी तो सामने जाना चाहिए ना, इसको थोड़ा पीछे तुम होल्ड करके रखो। तो क्या करो, कुछ नहीं, ये जो फ्रेम नंबर 1 है देखो अभी सामने की तरफ जा रहा है ना, पीछे होल्ड करके रखना है थोड़ा। मैं फ्रेम नंबर 5 तक आ गया, आई मिडिल माउस क्लिक, सॉरी सिलेक्ट करो पहले कोई भी पॉइंट, आई मिडिल माउस क्लिक, ऐसा सेट की दे दिया, होल्ड करो, होल्ड। देखो अभी बिहेवियर चेंज हो गया पूरा, कुछ देर पहले ये नहीं था। डिलीट करो, देखो अभी डिलीट कर दिया मैंने, कैसा आ रहा है एकदम फ्लोटी टाइप। तो फ्रेम नंबर 5 में सिलेक्ट किया, आई मिडिल माउस क्लिक, नीचे ड्रैग करो, देखो पीछे। ठीक है, ऐसा ड्रैग करो, अभी देखो बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। अभी ये वैल्यू मैं कॉपी करता हूँ, वैल्यू कॉपी। ठीक है, सिलेक्ट करके या से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वैल्यू कॉपी करो, इसको भी दे दो ये सेम चीज़।
ठीक है, फ्रेम नंबर 20 से ये सामने की तरफ जा रहा है ना, डायरेक्टली सामने की तरफ जा रहा है, मतलब पीछे आ रहा है फिर सामने की तरफ जा रहा है, ऐसा मत करो। फ्रेम नंबर 24 में इसको भी पीछे ड्रैग करके रखो, पीछे होल्ड करके रखो, ठीक है। ये फ्रेम नंबर 24, इसको भी ऐसा होल्ड करके रखो पीछे। देखो लेग जब उठ रहा है ऊपर तो कैसा होगा, मतलब ये जो पोर्शन है टो पोर्शन, ये पीछे की तरफ ड्रैग करेगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा पीछे की तरफ ड्रैग करेगा। तो उसके लिए फ्रेम नंबर 5 में आ गया मैं, उसमें सेट कीज देते मैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ एंड ठीक है। देखो अभी तो यही वैल्यू मैं दूसरे लेग में भी कॉपी करता हूँ, जो 2n रोल है उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी, इस फ्रेम में आ जाओ, ठीक है। लेफ्ट लेग है उसमें भी ये पेस्ट, ठीक है। अभी दोनों लेग पूरा ड्रैग भी कर रहा है एंड ये जो यहाँ पे रोल चाहिए था वो भी आ रहा है। फ्रेम नंबर 16 में मुझे एक अपोस्ट चाहिए, ठीक है। अपोस्ट में इसको जस्ट थोड़ा अप करते हैं एंड ऐसा पीछे की तरफ एक कर्व करूँगा मैं जो लेग है उसमें, ठीक है। ऐसा बस इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड लेफ्ट लेग में आ गया फ्रेम नंबर 35 में, टू इन में इसमें वी, ठीक है। इसको थोड़ा अप भी करो ऐसा, ठीक है, एंड थोड़ा कम करो, थोड़ा अप कर सकते हो एंड इसको दे दो 4। अभी पैर में थोड़ा वेट डालते हैं, ठीक है, जो फ्रंट लेग है उसमें थोड़ा वेट डालते हैं, यहाँ से यहाँ तक वेट। तो वेट के लिए ग्राफाइटर चाहिए, ट्रांसलेट वाई। देखो ये एकदम यहाँ पे स्लो इन हो रहा है, नहीं वो स्लो इन हटा के उसमें एक फास्ट इन देते हैं ऐसा। ग्राफ में मैं जूम इन करता हूँ, ये स्लो इन हो रहा है ना जब नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है स्लो इन हो रहा है, स्लो इन नीचे, मुझे फास्ट इन चाहिए वेट के लिए। तो ग्राफ ऐसा मैंने चेंज किया, दूसरे लेग में भी यही चेंज करो। देखो स्लो इन करके आ रहा है, स्लो इन करके नीचे आ रहा है, नहीं फास्ट करते हैं, ट्रांसलेट वाई। तो इसको करते हैं ब्रेक कनेक्शन, सॉरी ब्रेक टेंजेंट ऐसा। अभी करते हैं बैक पोर्शन, ठीक है, बैक लेग एंड हिप ये बोला, ठीक है। तो फ्रेम नंबर 1 में मैं इसको डाउन करता हूँ, डाउन ये सामने, तो डेफिनेटली हिप उसकी तरफ रोटेट होगा, रोटेट देखो ऑपोजिट हो रहा है, ये इस तरफ था ये इस तरफ ऑपोजिट करते 11 या ठीक है। ये पीछे, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब हम प्रोग्रेसिव वॉक साइकिल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो फ्रंट जो सेट है उसका लेफ्ट और राइट में जो ये जो दोनों पैर है फ्रंट का, उसमें जो जी एक्सिस वैल्यू है वो रेशियो और पीछे वाला रेशियो सेम टू सेम चाहिए, ये ध्यान में रखना है। कुछ नहीं, बस जैसे फ्रंट लेग में किया था फ्रेम नंबर 1 से 39 में कॉपी, फिर 20 में एक सेट की एंड जो ऑपोजिट लेग है उसको भी फ्रेम नंबर 39 में सेट की, 20 में सेट की, ठीक है। फिर ऑपोजिट करो, कॉपी, फ्रेम नंबर 20 में आ गया, इसमें पेस्ट चला गया पीछे, एक्स वैल्यू को ऑपोजिट करो बस। अभी आ जाओ फिर से फ्रेम नंबर 1 में, ये जो राइट लेग है इससे कॉपी, ऑपोजिट लेग में चले जाओ एंड पेस्ट हो गया, जो एक्स वैल्यू है उसको ऑपोजिट करो। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फ्रेम, ठीक है। तो ये हिप है, इसको भी फ्रेम नंबर 1 से 39 में कॉपी एंड 20 में फिर से एक सेट की, ठीक है। जो रोटेशन वैल्यू है उसको माइनस से प्लस करता हूँ, ठीक है। अभी इसको देते हैं पासिंग फ्रेम, तो पासिंग फ्रेम के लिए मैं चला गया ग्राफाइटर में, सेट की,
ठीक है, पासिंग फ्रेम को आप करते हैं फिर से, यहाँ पे और एक पासिंग फ्रेम होगा फ्रेम नंबर 30 में, दोनों को सेम टू सेम करते हैं। वैल्यू सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, इधर पे कंट्रोल वी, तो देखो अप एंड डाउन हो रहा है। सेम टू सेम इधर पे भी डाउन फ्रेम भी चाहिए मुझे, फ्रेम नंबर 6 में डाउन, ठीक है। डाउन के लिए मैं आई प्रेस करके मिडिल माउस क्लिक किया, सेट की आ गया इंडिविजुअल सेट की, देखो हिप को डाउन में ले रहा हूँ। सेम होगा फ्रेम नंबर 25 में, इधर पे भी सेट की, हिप के लिए दे रहा हूँ ये, ठीक है। कंट्रोल सी, इधर पे कंट्रोल वी, ठीक है। तो क्या हुआ, कंटैक्ट डाउन पासिंग, अभी होगा अप। फ्रेम नंबर 16 में आके मैं अप देता हूँ हिप के लिए अप, ठीक है। फ्रेम नंबर 35 में फिर से और एक क्या होगा अप, ठीक है। ऐसा ग्राफ को थोड़ा स्मूथ करते हैं और वैल्यू मिलाओ, मतलब कंट्रोल सी, नेक्स्ट में कंट्रोल वी, क्योंकि ये साइकिल है तो साइकिल में ज़्यादातर वैल्यू ऐसा ही सेम रखना पड़ता है, ठीक है। अभी बाउंसी लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है अभी, तो कुछ नहीं, इसको डाउन करो, ठीक है। अभी पासिंग फ्रेम्स में मैं लेग एनिमेट करता हूँ, तो पासिंग फ्रेम था मेरा फ्रेम नंबर 11 में, तो जो पैर पीछे से सामने की तरफ आ रहा है, मतलब ये पैर पीछे से सामने की तरफ आ रहा है, इसको ऊपर लेते हैं फ्रेम नंबर 11 में, ऐसा ऊपर लिया, और पीछे ये जो पोर्शन है वो रोटेटेड है, सबको सेट की दे दिया मैंने। अभी इस पोर्शन से ऑपोजिट लेग में कॉपी पेस्ट, तो ये वाला पासिंग पोज होगा यहाँ पे, बस ट्रांसलेट एक्स जो है उसको माइनस प्लस में कन्वर्ट करो, तो मेरा पासिंग पोज एंड कंटैक्ट फ्रेम हो चुका है पीछे वाला पोर्शन। अभी क्या करूँगा मैं, पीछे की तरफ ड्रैग इसमें भी चाहिए, फ्रेम नंबर 5 में ट्रांसलेट जी एक्सिस, इसमें भी ड्रैग चाहिए, तो ड्रैग करते हैं पीछे की तरफ। अभी जो ये लेग है उसमें भी जो जी एक्सिस वैल्यू है वो कॉपी किया, जो दूसरा लेग है उसमें भी फ्रेम नंबर 24 में आ गया, जस्ट 5 फ्रेम पीछे, ठीक है। पेस्ट, देखो लेग जब नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है ये, ठीक है, इधर पे ड्रैग दिखना चाहिए, इधर पे ट्रांसलेट वाई एक्सिस इसको नीचे ही रखो होल्ड करके, कैसे होगा इसको 0, ये 0, इसको मान देता हूँ फ्लैट टैंजेंट टू एंड, फिर दूसरा लेग इधर तक टू एंड, इसको ऐसा करो थोड़ा ऊपर लो बस, तो कॉन्टैक्ट डाउन एंड पासिंग ये हो चुका है। अभी करते हैं अप फ्रेम, ये लेग सिलेक्ट किया, तो फ्रेम नंबर 16 में मुझे एक अप फ्रेम चाहिए, ये पासिंग है, फिर इधर पे एक अप फ्रेम चाहिए, तो थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं, थोड़ा इसको अप करता हूँ, ट्रांसलेट वाई, थोड़ा अप किया, इधर पे मुझे डायरेक्टली इधर पे डाउन चाहिए, ठीक है। देखो स्लो इन हो रहा है, ये इन हटाना है इधर से, रेक्टेंजेंट ऐसा अप किया, ये जो इसको ब्रेक टेंजेंट करो, ठीक है। एक्चुअली दोनों लेग में कॉपी पेस्ट करना है, दोनों लेग का वैल्यू सेम टू सेम चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसलेट वाई, उसका भी ट्रांसलेट वाई, ये वैल्यू था कॉपी, नेक्स्ट में आ गया पेस्ट, ठीक है, ऐसा चाहिए। अभी लेग्स में मतलब ट्रांसलेट जी में और भी डिटेलिंग करते हैं, फिर से मैंने फ्रंट लेग को सिलेक्ट किया, फ्रंट राइट लेग, ट्रांसलेट जी एक्सिस, तो देखो ये पीछे से सामने की तरफ जा रहा है, तो ये वाला पीछे वाला पोर्शन मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसलेट जी, ट्रांसलेट जी, ठीक है। ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये अभी थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, दोनों पैर का ऐसा सिलेक्ट करके एडजस्ट किया, ठीक है। मैं दोनों का पोस्ट इन्फिनिटी एंड प्री इन्फिनिटी ऑन करता हूँ, व्यू में आ जाओ, इन्फिनिटी सबको सिलेक्ट करो, कर्व से प्री इन्फिनिटी साइकिल, पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल, ये मैं क्यों ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं, जब भी साइकिल बनाओ पोस्ट इन्फिनिटी एंड प्री इन्फिनिटी में वो ठीक आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा है ये ग्राफ, तो जब भी पैर ये सामने से
पीछे की तरफ जाएगा, ग्राफ एकदम सीधा रहेगा। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन को मैं स्टार मार्क करता हूँ, ये सबसे ध्यान से सुनना। सीधा मतलब लीनियर, एकदम लीनियर 100%, ठीक है। अभी यहाँ से मतलब ये वाला पोर्शन वो भी सीधा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें, ये जो पोर्शन है उसको ही नीचे लाना होगा। तो क्या करो, दोनों पैर को एक साथ सिलेक्ट करो। एक साथ सिलेक्ट किया, सिर्फ ट्रांसलेट जी एक्सिस को सिलेक्ट करके रखो। तो दोनों का मैंने ये बोला था, ये सही है, ये सेट की नहीं चाहिए। लीनियर देखो, दोनों में सेम लीनियर दिया मैंने। अभी ये पोर्शन ठीक करना है, यहाँ से टेढ़ा हो रहा है पर सीधा ही चाहिए एकदम। तो एक काम कर सकते हो, इस पोर्शन को तुम सबको सिलेक्ट करो, ऐसा नीचे ला सकते हो, क्योंकि तुम्हें एकदम सीधा चाहिए। इसीलिए सिलेक्ट किया रेक्टेंजेंट, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ लीनियर, पीछे वाले को ठीक करता हूँ ऐसा। देखो अभी पूरा स्ट्रेट है कि नहीं, पूरा स्ट्रेट है। अभी मैं क्या करूँगा, देखो सामने का जो ग्राफ है चेक कर लो कैसा है, जी एक्सिस का ऐसा ग्राफ, ठीक है। जी एक्सिस का ग्राफ ऐसा, मैं बड़ा करता हूँ, ये जी एक्सिस का ग्राफ है, देखा। अभी देखते हैं बैक लेग, और जैसे मैंने बताया था कि फ्रंट लेग में इन बिटवीन ये जो गैप है, ये और पीछे वाला गैप सेम टू सेम चाहिए, तो वो कैसे होगा वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेम नंबर वन में सपोज़ ये नेल, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी करके मैंने उधर ही रख दिया, मुझे बस वो पोजीशन चाहिए, इसीलिए बाद में मैं वो एक्स्ट्रा जो ज्योमेट्री मैंने कॉपी किया है उसको डिलीट कर दूंगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, सिलेक्ट करके ये जो पीछे जा रहा है ये वैल्यू मुझे सामने जो लेग है उसके साथ एडजस्ट करना है, ठीक है। फ्रंट लेग से मैं जी एक्सिस वैल्यूज कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, बैक लेग में आ गया, उसमें ट्रांसलेट जी को सिलेक्ट करो एंड वी पेस्ट। अभी ये जो बैक राइट लेग है इससे लेफ्ट में कॉपी पेस्ट करेंगे, जो ये इस लेग से कॉपी, इस लेग में पेस्ट, तो वैल्यू पेस्ट, ओके। देखो कॉपी मतलब सबसे जो पीछे जा रहा है, जो पीछे जा रहा है कॉपी, इसमें एंटर पेस्ट, कॉपी दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड पेस्ट। लीनियर रेक्टेंजेंट, मैं जो भी दिखा रहा हूँ अगर समझ में ना आए तो बताओ मुझे, मैं बार बार कोशिश करूँगा वो बताने का। देखो जैसे मैंने फ्रंट लेग में ग्राफ एडिटर ठीक से सजाया था, ऐसे ही बैक लेग में भी चेक करना है। तो इसको करता हूँ मैं प्री इन्फिनिटी साइकिल, पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल, क्योंकि मुझे चेक करना है ग्राफ भी जितना हो सकता था क्लीन है एकदम। अभी बहुत टाइम हो चुका है तो सब जानना चाहते हैं कि कैसे इसको प्रोग्रेसिव में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली वही बोलते हैं, फ्रंट लेग से ये जो फ्रंट लेग है ये फ्रेम नंबर 1 से 24 तक पीछे जा रहा है, तो इससे मैं वैल्यू कॉपी करूँगा, ऐसा वैल्यू कॉपी कंट्रोल सी। फिर सब मास्टर में आ जाऊँगा, तो मैं बस फ्रेम नंबर 1 में एक सेट की देता हूँ, ट्रांसलेट जी एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया, इधर पे कंट्रोल वी, ठीक है ये आ गया। ये बीच वाला वैल्यू डिलीट करो, देखो कैरेक्टर पीछे जा रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। ये जो समस्टर का वैल्यू है इसको रिवर्स करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। लीनियर एंड इसको करेंगे कर्व से प्री इन्फिनिटी साइकिल विद ऑफसेट, याद रखो पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल विद ऑफसेट नॉट साइकिल। तो अभी कैरेक्टर सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है। कैरेक्टर ऑलरेडी प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो चुका है, एंड दोनों पैर में मैंने जो वैल्यू सेम टू सेम किया वो शायद समझ में आ चुका है अभी तुम्हें। तो अभी इसका टेल में काम बाकी है एंड हेड में, क्लेविकल कंट्रोल्स में भी बाकी है, और लेग में भी और भी डिटेल कर सकते हैं, पर मेजर जो पोर्शन है प्रोग्रेसिव वाला वो मैं कवर कर चुका, ठीक है। इसको लेके कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, सब्सक्राइब करो लेट्स एनिमेट को एंड बताओ नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए।